वैसे तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में आरटीओ चेकपोस्ट बंद करके परिवहन विभाग में चल रही अवैध वसूली पर लगाम लगाने के उद्देश्य से आरटीओ चेकपोस्ट बंद कर ट्रांसपोर्टर्स को एक बड़ी सौगात दी थी, लेकिन चेकपॉइंट नाम का एक आदेश देकर आरटीओ चेकपोस्ट कर्मचारियों को उससे बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश में कई जगह चेकपॉइंट के नाम पर अवैध वसूली का खेल शुरू हो गया है। छतरपुर जिले में नौगांव क्षेत्र के बड़ा गांव में चेकपोस्ट पर अवैध वसूली की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि सरकार के आदेश को खानापूर्ति बताते हुए बड़े अधिकारियों से सांठगांठ कर इस पॉइंट पर लगातार अवैध वसूली जारी है। एक मामला गढ़ी मलहरा क्षेत्र के उजरा गाँव के पास बने कैमाहा चेकपोस्ट के एक पॉइंट से भी सामने आया है। परिवहन विभाग की चेकपोस्ट अधिकारी प्राची शर्मा के द्वारा आरक्षकों के माध्यम से वसूली कराने के आरोप लग रहे हैं। एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन चालान के लिए कहा तो उसे नहीं काटा गया। उनके कागजात पूरे होने के बाद भी उनसे 1500 रुपए वसूले गए, जबकि रसीद 500 रुपए की काटी जाती है। चेकपॉइंट अधिकारी प्राची शर्मा का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखने में आनाकानी जाहिर की। नंबर प्लेट नहीं आई टी वाली खड़ी उसमें नीचे नहीं टिका खड़ी गाड़ी उनके से खाली गाड़ियों जो है वैसे 10-10 हज़ार खाली गाड़ियों का क्या ले रहे हैं ये लोग? 2000 का चलन। ब्रजमोहन, आप ट्रक लेके आ रहे थे, यहाँ रोका गया है आपको चेकपोस्ट पर? चेकपोस्ट पर क्यों रोका गया है? ये मतलब माल तो मेरा सही है, 5 टन माल है, नॉर्मल है, और पेपर भी सारे पूरे हैं, लाइसेंस भी है। बोल रहे हैं कि रसीद कटाओ 1500 की नगद। मैंने बोला ऑनलाइन चालान कर दो, या 2000 का करो या 3000 का करो, ऑनलाइन नहीं करो, ऑनलाइन कर दो। बोल रहे हैं ऑनलाइन नहीं होगा, नगद रुपए लगेंगे 1500। बोलते 1500 रुपए का चालान कराओ। हम लोगों ने कहा भाई ठीक है, आप अगर चालान कर रहे हैं तो ऑनलाइन कर दीजिए। बोले ऑनलाइन नहीं, पैसा मांग रहे हैं, नगद मांग रहे हैं। रुपए का आप चालान करिए, अब ये नहीं पता क्या कर रहे हैं, नगद में कटवाया बोले। अच्छा, नगद में रसीद वगैरह दे रहे हैं? रसीद बोले रसीद देंगे 1500 रुपए की, ऑनलाइन चालान नहीं करेंगे। ऑनलाइन चालान नहीं कर रहे हैं? हाँ। इससे क्या लगता है ये लोग वसूली कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर? पता नहीं भाई वसूली है क्या है ये। हम जब हमारे पास कागज पूरे हैं, माल हमारा नॉर्मल है, वजन नहीं ज़्यादा है,